नमस्ते एंड वेलकम टू रिद्धिमास किचन। आज मैं आपके साथ सबका फेवरेट डेजर्ट कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी मुझे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करने के लिए बोला था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। ये बहुत ही इजीली बहुत ही जल्दी से बन जाता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट माय वीडियोस। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में करीब आधा किलो दूध ले लेंगे और आधा किलो दूध में से करीब आधा कटोरी दूध हम साइड पे निकाल लेंगे। दूध को लो फ्लेम पर एक बॉयल होने तक पका लेंगे और जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा है उसमें हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप होल इलायची का भी यूज कर सकते हैं, आप इसमें 3 से 4 इलायची डाल सकते हैं। इलायची को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम दूध को एक बॉयल आने तक पका लेंगे। अब हमने जो दूध साइड पे रखा है इसमें 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। इससे ज्यादा कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करें, 2 बड़े चम्मच या फिर 2 टेबलस्पून। और कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में ही मिक्स करें, गर्म दूध में बिल्कुल भी मिक्स नहीं करें, नहीं तो आपका कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल खराब हो जाएगा और बहुत ही लंपी बनेगा। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि इसके सारे लंप्स निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि दूध को एक बॉयल आ चुका है। अब हमने जो साइड पे रखा हुआ दूध जिसमें कि कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है उसे एक बार फिर से मिक्स करके मेक श्योर कि इसमें कोई लम्प्स नहीं हो, मिक्स करते ही लो फ्लेम पर इसे ऐसे चलाते रहना। अब हमें दूध को 1 से 2 बॉयल आने तक और पका लेना। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध यूज किया है, आप इसके लिए कोई भी कैटेगरी का दूध यूज कर सकते हैं, चाहे तो टोन मिल्क भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो फुल क्रीम दूध भी यूज कर सकते हैं। फुल क्रीम दूध से ये काफी थिक बनता है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस इसे लो फ्लेम पर ही ऐसे चलाते रहना और पकाते रहना। आप देख सकते हैं कि अब दूध को बॉयल आ गया। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे। मैंने इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी का यूज किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा रख सकते हैं। बस अब हम कस्टर्ड को एक और बॉयल आने तक पका लेंगे, फ्लेम को लो ही रखेंगे और दूध को ऐसे चलाते रहेंगे। कस्टर्ड को एक बॉयल आ चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसे फ्रिज में ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। आगे का स्टेप अब हम इसे ठंडा होने के बाद ही करेंगे। पहले हम कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, तभी इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी कस्टर्ड की बिल्कुल परफेक्ट है और आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड पे बिल्कुल भी मलाई नहीं आई है। उसका रीजन ये है कि जब मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखा था तो मैं इसे 5-5 मिनट के बाद बीच बीच में ऐसे चला रही थी। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो कस्टर्ड के ऊपर मलाई आ जाएगी, उसकी वजह से नीचे का कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। कस्टर्ड की ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। इसके लिए इसे पहले एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे कस्टर्ड में थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर लेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़े से बादाम डाल देंगे। कस्टर्ड में भीगे हुए कटे बादाम का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और लास्ट में थोड़े से इलायची के दाने डाल देंगे। तो हमारा कस्टर्ड सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।